लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, एक स्पोर्ट्समैन जो होता है जो अपने खेल से इतना प्यार करता है, बिकॉज उस खेल की वजह से आपको पूरे विश्व में जो है इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला, तो जाहिर सी बात है ज्यादा देर तक ये कोर्ट से दूर रह नहीं पाएंगी। तो क्या प्लानिंग है आपकी फिर? एक्चुअली मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यू नो आई थिंक एज वुमेन हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हाँ एक दिन शादी होगी, बच्चे होंगे, तो उस पर वी डोंट रियली थिंक अबाउट इट। सॉरी ये थोड़ा सीरियस हो गया, लेकिन आई थिंक जब मैं प्रेग्नेंट हुई और जब मैं माँ बनी, दिस लास्ट वन ईयर मेरे लिए इतना बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन था कि इट्स अमेजिंग कि एक औरत क्या कर सकती है, right. और एक जान के अंदर से जान निकलती है, एंड इट्स रियली इट वॉज फॉर मी अ सेल्फ रियलाइजेशन। जो लव होता है इतना सेल्फलेस होता है कि ऐसा लव यू विल नेवर नो इन योर लाइफ अनलेस यू हैव अ किड। तो फॉर मी मैं ऑफ कोर्स टेनिस मेरे लिए प्रायोरिटी है, सो एंड ऑफ द ईयर होपफुली यूएस ओपन। क्या बात है? द प्लान इज टू कम बैक।